हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने पहली मर्तबा अपनी आप बीती मीडिया के सामने रखते हुए जनता से कोरोना महामारी से सावधान रहने की अपील की है। जी हां, रामलाल मारकंडा बिलासपुर के नमहोर रेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है और वह खुद इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। वहीं मंत्री मारकंडा ने जनता से घरों में ही रहने की अपील करते हुए कहा कि जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क को अच्छे से पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। गौरतलब है कि रामलाल मारकंडा ने अक्टूबर 2020 में अटल टनल उद्घाटन के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रामलाल मारकंडा का अस्पताल में इलाज चला और वह स्वस्थ हो गए थे। वहीं अपनी आपबीती बताने के बाद मारकंडा ने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थान कब खोलने हैं इसका फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। तकनीकी विभाग का विषय है तो इसमें कोरोना का बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ा है। हमने 21 तारीख तक जो है सारी संस्थाएं बंद कर दिया, उसमें तकनीकी शिक्षा विभाग के सारे संस्थाएं बंद है, क्योंकि जो भी कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे वो कॉलेजेस के, इंदौरा का कॉलेज हो गया आपका, एक आपका नर्सिंग कॉलेज आपका ऊना सिरमौर के अंदर था, वहाँ पर पॉजिटिव केसेज आए थे, उनके चलते जो है संस्थाएँ बंद करना पड़ा। इसके बाद जब संस्थाएं बंद की, उस बाद कोरोना के काफ़ी केसेस आ चुके हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में चाहे वो आईटीआई हो, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं आया था। परंतु हमारी सरकार ने, माननीय ठाकुर जयराम जी ने सारी संस्थाएं शिक्षण संस्थाओं को सभी को बंद कर दिया है। अभी केसेस बढ़ रहे हैं, उससे पूर्व भी हमने जो है जो SOPs हैं उसको लागू करने के लिए कहा है। सभी संस्थाओं के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो आईटीआई हैं या पॉलिटेक्निकल कॉलेज या इंजीनियर, सभी को हमने कहा कि उचित दूरी, मास्क और सैनिटाइज किया जाए। उसको देखते हुए हमने पिछले साल सबसे पहले जितने हिमाचल प्रदेश के आईटीआईज है, हमने सबसे पहले आईटीआईज को खोला था, क्योंकि आईटीआईज के हमारा जो है 80% जो है प्रैक्टिकल होता है, 20% थ्योरी का काम होता है। तो इसलिए हमें जो है संस्थाओं को खोलना पड़ा। हमारे बच्चों के मैक्सिमम क्लासेस के एग्जाम हो चुके थे, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो भविष्य में अभी 22 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पता लगेगा कि संस्थाओं को आईटीआईज, हमारे आईटीआई जो टेक्निकल जो तकनीकी शिक्षा विभाग है, उन संस्थाओं को खोलना है कि नहीं खोलना है। जैसे लगता है कोविड पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए कैबिनेट फैसला लेगी। जैसे ही संस्था अगर खुलता है बाई दी वे, तो हम उस पर निश्चित तौर पर जो है द्वारा SOPs को लागू करेंगे, ताकि ये कोरोना जो है हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर ना है ना फैले। सर, आप भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हाँ, मैं हिमाचल की जनता से यही सबको संदेश देना चाहता हूँ, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोरोना जो है एक भयानक बीमारी है, इससे बचने का एक उपाय है, एक तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, जिस तरह से कोविड जा फैल रहा है, मास्क, उचित दूरी और जो सैनिटाइजर का यूज करें। तो अपने घरों में, हर घर में साबुन होता है, साबुन से अपने हाथ को निरंतर धोते रहें, क्योंकि ये बीमारी जो है जानलेवा बीमारी है। क्योंकि मैं भुग चुका हूँ, पिछले साल मुझे कोविड कोरोना हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मैं अस्पताल में भी रहा हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बीमारी से बचने के उपाय जो है अपने घरों से कम निकलें और मास्क लगा के, विशेषकर मास्क ना छोड़ें, मास्क जो है अपने नाक तक, मैंने बहुत से लोगों को देखा है सिर्फ मास्क लगाते हैं, मुंह में नाक छोड़ देते हैं, अपने मास्क को जो है पूरे नाक तक बंद रखें, और जो है मास्क के साथ साथ जो है उचित दूरी और बार बार हाथ धोते रहें, जिससे कोरोना से बचे रहेंगे और अपने हिमाचल प्रदेश